इंदौर के आजाद नगर क्षेत्र में ड्रेनेज पाइप लाइन की खुदाई के दौरान सुरंग मिलने की घटना सामने आई है। निगम कर्मचारियों ने खुदाई का काम बंद कर सुरंग मिलने की जानकारी निगम प्रशासन को दी। वहीं निगम प्रतिपक्ष नेता ने इसे ब्रिटिश शासनकाल में बनाई गई सुरंग बताया। इंदौर के आजाद नगर क्षेत्र में नगर निगम द्वारा ड्रेनेज पाइप लाइन डालने के लिए जेसीपी मशीन के द्वारा खुदाई की जा रही थी। इसी दौरान करीब 5 फीट की खुदाई के बाद लंबी और बड़ी सुरंग दिखाई देने लगी। निगम कर्मचारियों ने खुदाई का काम बंद कर पूरे सुरंग निकलने की जानकारी नगर निगम प्रशासन को दी। सुरंग निकलने की खबर फैलते ही देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं स्थानीय रहवासियों का कहना है कि ये सुरंग नहीं बल्कि कई वर्षों पहले क्षेत्र के कुओं में पानी सप्लाई करने के लिए नहर नुमा बनाया गया था, जिससे अब सब सुरंग बता रहे हैं। निकली है आजाद नगर में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो ब्रिटिश टाइम से हमें मिलती आई हैं। कभी हम वाटर पंप, एक एरिया है वहाँ पर एक वाटर पंप स्टेशन था, उससे पहले वहाँ पर स्टेशन ही बना था, उसको जब हमने ओपन करवाया था तो वहाँ भी कम से कम सुरंग के साथ साथ टाइप से आज़ाद नगर में सुरंग निकलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये सारे कार्य ब्रिटिश टाइम्स में हुए थे और ये जब निकलते हैं तो हमें आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश लोगों का आना जाना बहुत था और पानी वगैरह का सप्लाई आज़ाद नगर से ही होता था। तो और यहाँ पर रेसिडेंसी क्लब और रेसिडेंसी कोठी भी बहुत नियरेस्ट है, तो इस वजह से इन सारी चीज़ों का माना जाए तो बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये ब्रिटिश टाइम की सुरंग है अगर निकलती भी है तो। वहीं जब आजाद नगर क्षेत्र में सुरंग निकलने की जानकारी नेता फौजा शेख आलिम को मिली तो उन्होंने बताया कि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसके पहले भी निगम को खुदाई के दौरान ब्रिटिश शासनकाल में बनाई गई सुरंग मिली है। मैं यहाँ पर कम से कम समझ लो ये सुरंग नहीं है, वैसे मैं इसको 20-22 साल से हम लोग इसको देख रहे हैं। मैं समझता हूँ इससे तकरीबन इससे पहले की भी बात होगी, जब हम बहुत छोटे थे तब यहाँ आया करते थे। तो ये कुइया है, यहाँ पर पानी है, वो 2-3 जो नल है यहाँ पर कुएं थे, उस कुएं के अंदर उसके द्वारा या वाटर पम्प के द्वारा वहाँ पानी सप्लाई हो गए और इस सुरंग द्वारा ये 2-3 कुओं में जाता था। तो और कुछ भी नहीं है, ये पानी सप्लाई का एक स्रोत है जिसको सुरंग बोल रहे हैं। वो सुरंग नहीं है, वो पाइप है मात्र कुओं तक जाने के लिए। ये वाटर पंप पे वाटर क्लियर होता था यहाँ से अंग्रेज़ों के टाइम पे, ऐसा हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं। लेकिन हम भी 30-35 साल से देख रहे हैं कि ये एक सुरंग है, सुरंग नहीं है, ये एक पाइप है। गौरतलब है कि स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर शहर में ड्रेनेज लाइन डालने का काम किया जा रहा है। उसी दौरान सुरंग निकलने से लोगों में हड़कंप मच गया। INC 24 न्यूज के लिए इंदौर से अयाज अली की रिपोर्ट।